देख भाई, मैं तेरी नाराजगी की वजह समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कहीं की झूठ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तेरे लिए, लेकिन मैं और शौर्य है ना तेरे साथ, 24 घंटे में हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पर तू प्लीज तब तक शांत रहे भाई, और तेरी तो हमारी फैमिली की तरह है। पारस, मेरे को समझ नहीं आ रही कि तू क्यों इलीज बिलीज कर रहा है, इसके सब ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ, और तू 24 घंटे की धमकी क्या दे रहा है? मेरे को अच्छे से पता है कि तू जैसे कमीनों से कैसे निपटा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ना, फिर क्यों इतना बोल रही हो? अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तू इससे सराफत से कैसे बात कर सकता है, इसने हमारी कितनी वाट लगाई है। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें परेशान करा था क्योंकि तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाला। भाई, तू तो समझना है, मैं खुद कितनी गलतियां करी हैं। याद है कॉलेज के दिनों में तू गलतियां करता था, मैं झूठ बोलता था, प्रोफेसर से झूठ बोला, मैंने पापा से झूठ बोला, मैंने यहाँ तक कि दादाजी से भी झूठ बोला। यार टैनी ने जो झूठ बोला है वो अनजाने में बोला है। लेकिन तू मुझे एक बात बता यार। हाँ भाभी, आप भी बताओ, इस लड़की को सिर्फ मेरी तस्वीर मिली पूरी दुनिया में दादाजी को दिखाने के लिए, और क्या क्या कहानियां बनाई है इसने। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम राइटर क्यों नहीं बन जाती हो? तू मेरे को मत बता कि मेरे को क्या करना और क्या नहीं करना। अरे बस करो, दोनों बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। आप तो जानते हो ना अमन भैया दादाजी कैसे हैं। हाँ भाभी, और ये भी जानता हूँ कि इसकी शादी में क्या हो। यार दादाजी तो फुल हिटलर बन गए थे। अच्छा हुआ कि मैं तेरी शादी में नहीं था, वरना इसके साथ साथ मेरा भी बैंड बज जाता। एनीवे भाभी, लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी ये जो सिस्टर है ये बिल्कुल आपकी तरह है। हाँ मेरे भाई की चॉइस आप हो, इतनी ब्यूटीफुल एलिगेंट, और ये देखो देसी गर्ल, जरा सा भी दिमाग नहीं है इसमें। ये परदेसी झिंगुर, तू ज्यादा फेल मत, तूने अपनी सत्ता दिख के कौन सा हीरो जैसी है जो तू मेरे लिए बकवास कर रहे? और क्या बोल रहे, तू 24 घंटे दे रहे ना, 24 घंटे बहुत है तेरी के लिए दुनिया इधर से उधर करने के लिए। मैं तेरे को चैलेंज देती हूँ कि मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी, समझा? ठीक है, तो डन डील, जो करना है कर। अरे भाई ये तू क्या कर रहा है? भाई तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है, होने देना इस मिर्ची को लाल। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, साली है ना आपकी बीवी की बहन है तो आपसे कैसे होगा सहन? धोखेबाज, देख लूंगा तुझे। वैसे भाभी अब तक जो बात संभाली है ना मैंने, वो सिर्फ आपकी वजह से। मेरा मतलब ये है कि अब जो नया मेहमान आने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं कोई स्ट्रेस दूं। लेकिन अगर कोई और लड़की होती ना भाभी, तो मैं सच बोल रहा हूँ, उसका बैंड बजा देता। दिखने आपकी सिस्टर है इसलिए मैंने इसको छोड़ दी। अब सब कुछ मेरे इस दगाबाज भाई और इस देसी गर्ल के ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोग दादाजी के सामने मेरी बिगड़ी हुई इमेज कैसे रिपेयर करते हैं। चौबीस घंटे भाई, श्रीनाथ जी सौनू भलू करे, शू जमानो आवी गयो छे। हां मां बिचारी काम करके अपनी कमर तोड़ रही है और बेटी वहां अपने नाखून चमका रही है। मां आप मटर छिलने में आपकी कमर कहां से बीच में आ गई? हाँ तो सारा काम मैं ही करूँ, हाँ तू तो बस ऐसे खड़ी रहे। रहने दीजिए ना मोटी बहन, मैं कर देती हूँ। इंदु मारी बहन, तू इतने प्यार से बोल रही है ना, तो ले कर बस। फुटू नहीं कहूं इंदु, सुबह से काम करके ना मेरी कमर एकदम टूट गई है, पर किसे बोले। हमारे भानुशाली परिवार की परंपरा जो है, अतिथि देवो भव, जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है ना, तो हमारे सालों की मेहमान नवाजी एक साथ उमड़ कैसे बाहर आ जाती है, और मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। अब क्या कह रही है मोटी बहन, अमन मेहमान कहाँ है? वो 12 साल हमारे साथ रहा है, घर का एक हिस्सा ही है वो, मेहमान थोड़ी ना है। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि अमन भाई का अचानक यहाँ ऐसे चले आना कुछ अजीब नहीं लगता आपको? वो इतना बिजी रहते हैं कि पार्थ भाई की शादी तक पर नहीं आ पाए, और अब ऐसे ही बिना किसी रीजन से। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, बापूजी ने खुद ही कहा ना कि उन्होंने अमन को बुलाया है।
अब वो पार्थ और शोभन की शादी में नहीं आ पाया, शायद इसलिए बुलाया होगा। बिल्कुल सही कहा इंदु, यही वजह होगी। और वजह क्या हो सकती है? कई पण से जल। मैं काम करती हूँ, मैं ये सब है ना रसोई घर में ले जाती हूँ और जल्दी से सब्जी चढ़ा देती हूँ, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ तो जा इंदु, मैं अभी आती हूँ, बस ये थोड़ा साफ करके आती हूँ। हाँ ठीक है। होटू नहीं कहूँ से जल, बापूजी ने अमन को इतने दूर से यहाँ बुलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। वो खास बात क्या है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ अब 12 घंटे बचे हैं। अमन के दिए 24 घंटे में से 12 घंटे तो बीत चुके। देखो और कोई तरीका नहीं हमारे पास। दादाजी से जाके कह देते कि टेनिया शादी नहीं करना चाहती और इसीलिए उसने आपसे छुटका। तू बहुत चालू है, अपने आप को बचाने के लिए तू मेरी बलि चढ़ा रहा है। एक बात याद रखना, अगर मैं डूबी ना तो तुम दोनों को साथ मिलकर डूबूंगी, समझे? अरे अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अमन के पास जाता हूँ, उसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी बात मान ले। रिक्वेस्ट करूंगा? तुम्हें लगता है वो दादाजी के सामने जाकर अपनी इमेज बिगाड़ेगा भी? अरे यार तुम्हें क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता तू। अभी हमारे पास दो ही रास्ते, या तो तू जाके अमन को पटाए जो कि वो मानने वाला नहीं, या तो फिर हम दादाजी को जाके सब कुछ सच्ची सच्ची बता देते। पर तुम दोनों को भी दादाजी को बोलना पड़ेगा कि तुम दोनों को मेरे झूठ के बारे में शुरू से पता था और तुम दोनों मेरा साथ दे रहे थे। बोलो मंजूर? ठीक है। क्या गलत किया था हमने तुम्हारे साथ जो तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी, अपनी बेटी की तरह प्यार दिया तुम्हें, तुम्हारा घर बसाने का सपना देखा, पर बदले में तुमने हमें क्या दिया? झूठ, धोखा। और तुम दोनों ने सब जानते हुए भी ये बात हमसे छुपाई। तुमने और शोरवरी ने हमें उतना ही बड़ा धोखा दिया जितना स्टैनी ने दिया है सरोगेसी की बात छुपाकर। इसलिए हम तुम्हारी शादी के खिलाफ थे। ए, मेरे होने वाले बच्चे की माँ, कहाँ खो गई तू? चल। नहीं नहीं, हम दादाजी को सच नहीं बता सकते। नहीं। अरे शोरवरी, टैनी बिल्कुल ठीक कह रही है, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। नहीं पास, टैनी ऐसा कर सकती है क्योंकि दादाजी के साथ टैनी का कोई ऐसा गहरा रिश्ता नहीं है। उसका झूठ एक बार वो बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन हम दोनों का झूठ? इतनी मुश्किल से हमने दादाजी का विश्वास जीता है, उसे गवा नहीं सकते हम? तुम और तुम्हारे इमोशनल पंगे मेरे को नहीं समझ आते। अभी 12 घंटे बचे हैं, तुम सोच लो जो करना है। ठीक है, सोचो। अब तक सोच रहे थे, अब और सोचते थे। आजा आजा। चल एक गेम खेलते हैं, बचपन की आदत ताजा हो जाएगी। तेरी हर बार मुझसे हारने की आदत। वो तो इसलिए क्योंकि तू चीटिंग करता था और मैं शराफत में रह जाता था। चल अभी तू बात ही करता रहेगा, खेलेगा भी? भाई खेल जंग मोहब्बत में शराफत मायने नहीं रखती है, जीत मायने रखती है। वेरी गुड वेरी गुड, चले ऑल द बेस्ट। चलो अगर तू मुझसे अपनी उस प्यारी सी साली के बारे में बात करना है ना तो भूल जा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा और उसे दादाजी को सच्चाई बतानी पड़ेगी। अरे भाई छोड़ ना, भूलोगी उससे। अच्छा बता, तू उसे माफ करने का क्या लेगा? वैसे एक बात बता, वो शादी क्यों नहीं करना चाहती? वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसका मन नहीं है। जब उसका मन करेगा वो शादी कर लेगी। तू कौन सी शादी कर रहा है? तू भी तो शादी से भागते आ रहा है ना। वैसे ही वो भी जब मन करेगा कर लेगी। बोल ना तू। चल ठीक है, तू बोलता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। थैंक्स यार, तो मुझे एक चैलेंज में हराना होगा। अच्छा तू जस्ट बोल भाई, करना क्या है? कार रेस, बाइक रेस, दादाजी के कमरे से कुछ लेकर आना है, पड़ोसियों को बीच से लगाना है। तू बोल भाई, मैं करता हूँ। बोल भाई, तू क्यों चैलेंज ले रहा है? तूने मुझे थोड़ी प्रॉब्लम में डाला है, तेरी उस थाली ने डाला है ना, तो उसे मेरा यह चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। कैसा चैलेंज? यार पता नहीं यार, वो खुद ही बताएगा।
उसकी इतनी हिम्मत की टेनी को चैलेंज करते अभी तो उसकी नाक तोड़ के उसके हाथ में दे तो चैलेंज में सब भूल जाएगा। ए, टेनी, प्लीज रुको, वैसे बहुत ड्रामा हो चुका है, अब और मत बढ़ाओ उसे। तुम अच्छी तरह से जानते हो टेनी की कंडीशन क्या है, वो किसी भी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यार मैं जानता हूँ, पर तुम जानती हो सिचुएशन क्या है। तुमने हाँ कैसे बोला? मैंने तो क्या हो भाभी इसे, कहीं आप इसकी मेंटल कंडीशन के बारे में तो बात नहीं कर रही है? हाँ वो तो वाकई में खराब हो गई है। ए, मेरे को मेंटल बोलते हैं? तेरे को नहीं यहाँ खड़े खड़े मेंटल बना सकती हूँ मैं, समझा? अगर अपने आप पे इतना घमंड है तो मेरा चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? डर रही है क्या? डरती है टेनी किसी से नहीं डरती, डरना टेनी से डरता। बोल क्या चैलेंज है तेरा, बोल। टेनी तू चिंता मत कर सोरवरी, इसकी तो मैं बाट लगा दूंगी, बाट। बोल। ये मेरी घड़ी है, दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक, और तेरा चैलेंज ये है कि इसे तुझे तोड़ना। चैलेंज भी दिया तूने तो अपनी वाट लगाने का, और मेरे को मेंटल बोलता है। तेरी ये जो घड़ी है ना, दो मिनट में ना इसको तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगी चूरण बना के, और तू फिर इसको चाटता रहना। इंपोर्टेड घड़ी है, अनब्रेकेबल। तेरी जैसी अगर 10 देसी गर्ल्स भी आ जाए तो इसे तोड़ नहीं पाएगी। मैं अभी भी तुझे बोल रहा हूँ कि फिर से सोच ले, चैलेंज लेना है या नहीं लेना। अगर नहीं लेना है तो मुझे बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जो ठान लेती है वो करके रहती है। तेरी घड़ी को तो मैं चकनाचूर कर ही दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त, अगर मैंने ये तेरी घड़ी तोड़ दी ना तो तू दादाजी के सामने वो ही बोलेगा जो मैं तेरे को बोलने के लिए बोलूंगी। बोल, मंजू। बात कर रहे हो, कुछ बोलो, कुछ करो ना। मैं क्या करूं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक, कोई कुछ नहीं कर सकता। मंजूर।